ऑल राइट सो गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी हियर विद वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस आज हम अनबॉक्स करने वाले स्नेक बैंड को जो कि हम सभी को बूट की तरफ से देखने को मिलता है, बूट का रॉकर 255 प्रो। और गाइस इसको लेने से पहले सबसे फर्स्ट मैंने इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ा कि हमसे को कैसा देखने को मिलेगा, इसका साउंड क्वालिटी ओवरऑल। तो एटलीस्ट मैंने चेक किया तो मुझे सबसे बेस्ट इसी का साउंड क्वालिटी लगा बाकी सारे ईयरफोन के थ्रू। तो गाइस इसका साउंड क्वालिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये अमेजोन पर भी अवेलेबल है तो आप लोग को दिखाया भी जाए कि इसका ही साउंड क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, बाकी सारे ईयरफोन खास नहीं उतना। तो इसलिए मैंने इसको अमेज़ोन से लेके आ गया और मैं आपको ये इसका आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि इसको अनबॉक्स करके किसका फीचर्स ऑलमोस्ट कैसा है, इसका रिव्यू में दूंगा किस मेरा थॉट्स है, इसका साउंड कैसा है एंड ओवरऑल। तो आज के वीडियो में सब देखने को मिल जाएगा। हमारे चैनल पहली बार आया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट शेयर भी कर देना। तो फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे आप नज़दीकी से देख सकते हो कि मैंने अपने इस बूट के ईयरफोन को अमेज़ोन से परचेस किया हुआ है। यहाँ पे अमेज़ोन का ब्रांडिंग दिया हुआ है और यहाँ पे लोगो भी है। इसके सील को मैंने अभी तक ब्रेक नहीं किया है, मैं भी इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट चलिए अब इस बाकी की डिटेल्स मैं आप सभी को थोड़ी देर बाद बता देता हूँ उसको अनबॉक्स करने के बाद। सो फटाफट से करते हैं इसके सील को ब्रेक और देखते हैं हमसे वो कैसा देखने को मिलता है बूट का रॉकर 255 प्रो। तो इसको अनबॉक्स करने के बाद हमें देखने को मिलता है बूट का ईयरफोन, और जो कि मैंने इसको अमेज़ोन से परचेज़ किया था। तो हमें देखने को मिलता है अमेज़ोन का एक बिल, छोटा सा आप यहाँ देख सकते हैं अमेज़ोन का बिल। सो इसको रखते हैं साइड में, बढ़ते हैं कुछ और बॉक्स कंटेंट की तरफ। सो ये है हमारा बूट का ईयरफोन, फ्रंट में हमसे को बूट का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और इस निक बैंड का नाम भी देखने को मिल जाता है गाइस, जैसे कि रॉकर 255 प्रो वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट आप देख सकते हैं। और फ्रंट में हमसे को अपना निक बैंड देखने को मिल जाता है और बैक साइड में हम सभी को इसका कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। और बाय द वे गाइस मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट इसका स्पेसिफिकेशन बता ही देता हूँ, जैसे कि आप इसे दो डिवाइस से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। क्वालकॉम चिपसेट है, मैग्नेटिक लॉक है, आप इसे फुल चार्ज करके 10 आवर्स तक चला सकते हो। बहुत ज़्यादा लंबा बैकअप है गाइस, 10 घंटा, यानी कि बहुत बड़ा बैकअप है। और आप इसे 20 मिनट तक चार्ज करके 4 घंटे तक चला सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो। और इसका ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, आप यहाँ देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छा ये है। और ये वाटर प्रूफ है, वो भी बहुत अच्छा बात है। और आप इस बंदे को तो जानते ही होंगे, ये ही ने इसका एडवर्टाइजमेंट किया है। और जस्ट गाइस बैक साइड में हम सभी को बूट का एक लोगो देखने को मिल जाता है। और अगर आप बूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो आप इस सोशल लिंक के द्वारा आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और इस बॉक्स के बैक साइड में हम सभी को इसका MRP देखने को मिल जाता है, आप यहाँ देख सकते हो इसका MRP 3499 गाइस, आप यहाँ देख सकते हो। बट इसका ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, अगर आप अमेज़ोन से परचेस करते हो तो आपको ये बहुत ही कम रेट में मिलता है। पर कितना कम रेट में मिलता है ये आप सभी को थोड़ा सा आगे वीडियो में जाकर पता चल जाएगा। सो अब मैं करने जा रहा हूँ इसको अनबॉक्स और देखते हैं हमसे वो कैसा देखने को मिलता है हमारा निक बैंड। सो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, ये हमारा प्यारा सा निक बैंड, आप देख सकते हैं बूट का रॉकर 255 प्रो का निक बैंड। और गाइस इसी के साथ हमें कुछ इसका स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। सो सबसे फर्स्ट इस पर नज़र डाल लेते हैं गाइस। सो इसको सबसे फर्स्ट अनबॉक्स करते हैं, यानी कि इसको ओपन करते हैं। और सबसे फर्स्ट हमें देखने को मिलता है इसका एक चार्जिंग केबल, आप यहाँ देख सकते हैं इसका चार्जिंग केबल। और इसी के साथ हमें इसको देखने को मिलता है इसका टिप्स, यहाँ पे दो साइज दिया गया है गाइस, एक बिग है एक स्मॉल है ये, यानी कि बहुत ही अच्छा है कंफर्टेबल के लिए। ये टिप्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी की देखने को मिल रही है ये टिप्स हमें। और इसके अंदर गाइस और भी कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ यूजेस है इस बूट के बॉक्स के बारे में, सो देख लेते हैं। ये है इसका स्पॉन्सर जिसने किया, इसका कार्ड है, यानी कि इसके अंदर कुछ बूट का यूजेस भी दिया गया, आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसे। और ये गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा, आप यहाँ देख सकते हैं इस बूट ईयरफोन को जिसने इसने स्पॉन्सर किया, यानी कि इसका ये एडवर्टाइजमेंट किया, इसका पिक्चर दिया गया है, बहुत कोई ने किया है। आप इसका बैक साइड पे भी इमेज देख सकते हैं।
और ये बोट कंपनी का बहुत सारा जो टाइप टाइप्स का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे इसका पिक्चर भी दिया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, ये बोट ईयरफोन का हमें 1 ईयर वारंटी कार्ड भी मिला, आप यहाँ देख सकते हो 1 ईयर वारंटी कार्ड, ये बहुत ही अच्छा है गाइस। आप इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपका कुछ ख़राब निकला एक साल के अंदर में तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। सो बात कर लेते हैं इस बूट ईयरफोन के कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में। तो हम सभी को लेफ्ट हैंड साइड में हम सभी को बूट का एक लोगो देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और ये जो इसका स्ट्रैप है वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और राइट हैंड साइड में हम सभी को कुछ बटन कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपने वॉल्यूम को प्लस माइनस कर सकते हो। और जो मिडिल ऑप्शन है वो रीसेट ऑप्शन है, यहाँ से अपने पावर को ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके जस्ट थोड़े से बैक साइड में हम सभी को एक चार्जिंग पॉट देखने को मिलता है, इसके थ्रू आप इस नेक बैंड को चार्ज कर सकते हो। और इसके बैक साइड हम सभी को और ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलता है। और जो इसका ईयरफोन है वो आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, इसका टिप्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और ईयरफोन के फ्रंट साइड में हम सभी को एक बूट का लोगो देखने को मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, आप इसको देख सकते हो। सो गाइस, और ये क्यों दिया गया टिप्स मैं आपसे बता देता हूँ, अगर आप रन करते हो तो आपके कॉन से ये ड्रॉप ना हो जाए, इसलिए ये टिप्स दिया गया है। और ये जो गाइस इसका वायर है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और इस बैंड को आप जितना मरोड़ोगे ये तब भी अपने ही सेम साइज में आ जाता है, आप देख सकते हो। इसको आप मोड़ो तोड़ो फेंको जो भी आप करो, पर ये अपना सेम साइज पर आ जाता है, आप देख सकते हो। और साथ ही वाटर प्रूफ है। और जो मैं आपसे को फर्स्ट में बता रहा था कि मैग्नेटिक ईयरफोन लॉक, तो उसका ये है गाइस, आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाता है इसका ईयरफोन। सो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पे जो ब्रांडिंग दिया गया है बूट का, वहाँ पे एक मैग्नेटिक लेयर दिया गया है, इसके थ्रू ये एक दूसरे पे सेपरेट हो जाता है, यानी कि लॉक हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा ईयरफोन एक दूसरे के साथ सेपरेट रहेगा। सो ऑलमोस्ट इसका नेक बैंड क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है, जब आप इसको नेक के साथ अपना वेयर करते हो तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो चलिए फटाफट से करते हैं इसको फ़ोन के साथ अटैच और देखते हैं किस तरह का साउंड क्वालिटी हमें मिलता है इस बूट के ईयरफोन से, और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा वीडियो के आगे। सो ये जो नेक बैंड है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है गाइस, इसका जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी बेस्ट लगा। तो इस चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसका रिव्यू, और मैं आपसे एक उसका खास 3 पॉइंट बता देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इसका बेल डिज़ाइन और ओवरऑल क्वालिटी के ऊपर। तो इसका बेल डिज़ाइन देख सकते बिल्कुल बेस्ट है, और ये जो इसका लुक है बिल्कुल फ्लैट में है। तो अगर आप सोच रहे होगे कि अगर ये गाइस 20 से क्रैक हो गया तो भाई क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि टैंगली फ्री है तो 20 से क्रैक होने का बात ही नहीं आता। आप इसको जितना मरोड़ोगे ये बिल्कुल अपना सेम साइज में आ जाता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम साइज में आ जाता है अपना ये। और इसका जो वायर है आप यहाँ पे इसका वायर देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी से मेडअप हुआ है, तो ये टूटने का तो बात ही नहीं आता है इसका। और गाइस इसका जो लुक है ये मुझे काफ़ी प्रीमियम लगा, काफ़ी बेस्ट लगा। तो इसका जो बेल डिज़ाइन ओवरऑल क्वालिटी है मुझे काफ़ी बेस्ट लगा है। तो ये सेकेंड पॉइंट यानी कि इसका साउंड क्वालिटी, तो मैं सबसे पहले आपसे को बता देता हूँ, अगर आपके पास हेडफोन है तो उससे टर्न टू स्विच ईयरफोन के साथ कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ईयरफोन का जो साउंड है और जो हेडफोन का साउंड है उसके अंदर उसके बीच बहुत ही अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हो रहा है ईयरफोन का, तो ईयरफोन तक ही रहने दीजिएगा इस बात को। तो इसका जो साउंड है, तो इसका साउंड मैं आपसे बता देता हूँ, जो मैंने अपने तरफ से फील किया था, बिल्कुल हंट नहीं करता है, कट कट के नहीं आता है, ब्रेक नहीं होता है साउंड, ये मुझे काफ़ी बेस्ट इसका लगा। और अगर आप जब कॉन्फिडेंटली इसका साउंड को फोकस करके अगर सुनते हो, जस्ट एग्जांपल गाइस अगर आप सुनते हो, तो जब आप इसको हियर करोगे तो उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको इसका बेस गाइस आपको बहुत ही क्लियर सुनाई देगा। और अगर आप गेम खेलते हो तो वहाँ पे जो साउंडेड साउंड होता है, यानी कि जो एनिमीज आपके बगल से जाता है गेम में, तो उसका जो साउंड है, साउंड बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग है गाइस। तो गेमिंग के लिए मैं बोलूँगा ये ईयरफोन भी बहुत ही बेस्ट है। कुछ कुछ ईयरफोन गेमिंग के लिए नहीं बना रहता है, पर मैं कहूँगा ये ईयरफोन गेमिंग के लिए बना ही हुआ है, गेमिंग साउंड कुछ भी हुआ। और जो नेक्स्ट आता है गाइस कॉल, जब कॉल आता है तो उसका तब से जो साउंड आता है वो भी बहुत ही नीट एंड क्लीन, अच्छी आवाज़ सुनाई देता है हम सभी को। और जो बोलते हैं साउंड वो भी बहुत ही क्लियर आता है। तो कॉल थ्रो के लिए गाइस ये बहुत ही बेस्ट ईयरफोन है, ये यहाँ से आप कॉल वे भी पिकअप कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट क्लियर और नीट साउंड सुनने मिलता है हम सभी को इस ईयरफोन के थ्रू। तो ये मुझे काफ़ी बेस्ट लगा साउंड क्वालिटी के लिए, मैं इसीलिए बाकी सारे ईयरफोन को छोड़ के इसी ईयरफोन को परचेस करूँगा, क्योंकि इसका जो साउंड क्वालिटी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का प्रीमियम है।
सो मैं आप सभी को इसका ओरिजिनल प्राइस बता देता हूँ। तो इसका जो प्राइस था, जो मैं आप सभी को पहले बताया था, 3499 था। तो जो मैंने इसे परचेस किया अपना रियल प्राइस में, तो वो था 1500। तो गाइस, अगर आप इस ईयरफोन को परचेस करना चाहते हो तो मेरे लिंक से जाके आप उसे परचेस कर सकते हो, तो आपका प्राइस 1500 ही पड़ेगा। और बाय द वे गाइस, ये ईयरफोन अपना प्राइस को पूरा कम्फर्टेबली एब्जॉर्ब भी करता है। फिलहाल गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हम चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो जाकर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। सो ऑलवेज हमेशा की तरह बी7 टेक केयर एंड बाय बाय।